बार बार किए गए। मिठाई के डिब्बे में चाकू और तमंचा लेकर पहुंचे थे आरोपी। चश्मदीद सौराष्ट्र सिंह का ये बयान, दो दिन से गनर जो उन्हें मिला हुआ था वो साथ में नहीं था, सुरक्षा में लगा हुआ सिपाही उस वक्त सोया हुआ था जिस वक्त उन पर हमला हुआ। राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार थे मृतक कमलेश तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कमलेश ने दिसंबर 2015 में पैगंबर पर विवादित बयान दिया था, तब तमाम आरोप लगे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। अयोध्या विवाद मामले में एक पक्षकार थे, कमलेश की हत्या उनके दफ्तर में की गई। बदमाशों ने कमलेश से उनके घर में ही बने दफ्तर में मुलाकात की, उनके साथ चाय पी और इसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी। पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तोहफा देने के बहाने पहुंचे हुए थे आरोपी और उसी दौरान हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। गनर उस वक्त साथ में नहीं था, दो दिन से उनके साथ में नहीं था और जो सिपाही मिला हुआ था वो सिपाही उस वक्त सो रहा था। बीचों बीच जो तस्वीर है ये तस्वीर है कमलेश तिवारी की, जिनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता है, दफ्तर में घुसकर गोली मारी गई है और ये दफ्तर उनके आवास में ही बना हुआ था, उनके घर में ये दफ्तर बना हुआ था। तोहफा देने के बहाने वहां पर आरोपी पहुंचे हुए थे। पुलिस अब इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की जांच में छूट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से जहां पर हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, उनके घर में ही जो उनका दफ्तर बना हुआ था वहीं पर पहुंचे थे आरोपी मिलने के बहाने, तोहफा देने के बहाने उनके घर में ही बने दफ्तर में मुलाकात की, चाय पी और इसके बाद गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस को घटनास्थल से जो जानकारी मिली है एक बंदूक भी मिली है। रवि कुमार वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, सबसे पहले सबसे ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए आपको बता दें, इस पूरे मामले में अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे एडीजी लखनऊ जोन भी जा चुके हैं, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरे मौके का जायजा लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आरएएफ की जो है यहाँ पे वज्र यूनिट जो है वो आ चुकी है, साथ ही साथ लोकल पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है। जो लोकल पुलिस है उसने भी इस पूरे इलाके को घेर रखा है और यहाँ पे फिलहाल स्थिति जो है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में करीब 10 टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं लखनऊ पुलिस की, जो कि इस पूरे कहा जाए केस को खोलने की कोशिश कर रही है। कौन थे वो दो अपराधी जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, दिन दहाड़े ये घटना हो जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका गलियों का इलाका है, तो यहाँ पे गाड़ी का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा, दो भैया वाहन का इस्तेमाल किया होगा ये जो है अंदाजा लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। सीसीटीवी कैमरे, जो पोल्स में सीसीटीवी कैमरे अगर आसपास लगे होंगे तो उन सीसीटीवी कैमरों को। वर्णित, मैं आपको रोककर थोड़ी सी जानकारी देकर और इसके बारे में कुछ डिटेल हो आपके पास तो मैं वो जानना चाहूंगा, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज जो आप पिलर्स पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड आप दिखा रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और वो लाल रंग का कुर्ता पहने हुए हैं, घर में पहुंचे हुए थे तोहफा देने के बहाने, मिठाई लेकर पहुंचे हुए थे, कॉल की थी, चाय भी उन्होंने साथ में पिया था, जाहिर सी बात है वो जान पहचान कर रहे होंगे और साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखे भी हैं। क्या इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी दी है? देखिए पुलिस ने जानकारी ये दी है कि दो संदिग्ध जो हैं वो दिखे हैं और जो जानकारी चश्मदीद के से पता चल रही है उसमें ये पता चला है कि ये दोनों जो कहा जाए ये संदिग्ध हैं, दोनों बैठे थे, बैठ के बातचीत की, चाय भी पी घर में, उस चश्मदीद ने चाय बनाई, इनको चाय पिलाई, उसके बाद जो कहा जाए जो मिठाई के डिब्बे लेके आए थे एक में कट्टा था, देसी कट्टा था, और एक में चाकू रखा हुआ था जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक ने चाकू से गला रेता और दूसरे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस पूरे मामले पे जो पुलिस है वो अपनी जांच कर रही है, उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इसके अंदर कुछ ना कुछ लीड जरूर हासिल कर लेंगे। फिलहाल जो नजदीकी लोग हैं उनसे बात की जा रही है। ठीक है वर्णित, मैं आपके पास आता हूं। एक तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। कमलेश तिवारी के हत्यारों की तस्वीर सामने आई है जिन पर संदेह है कि इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपियों की ये सीसीटीवी तस्वीर, सीसीटीवी में दोनों हत्यारे नजर आ रहे हैं और जिस पिलर पर दिखा रहे थे वर्णित हमारे सहयोगी की वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, संभवतः हो सकता है कि ये उसी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीर है। आप देखिए दो आरोपी, दोनों लाल रंग के कुर्ते करीब करीब इन्होंने पहन रखे हैं। जो सामने आरोपी यानी जो आगे आरोपी है वो एक टोपी भी उसने लगा रखी है, जींस और कुर्ता पहने ये नजर आ रहे हैं ये दोनों आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये सीसीटीवी तस्वीर, कमलेश तिवारी पर चाकू से 15 बार हमला किया गया,
वर्णित भी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इस हत्याकांड को उनके घर में घुसकर अंजाम दिया है। घर में जो दफ्तर कमलेश तिवारी का है उसी दफ्तर में ये दोनों शख्स पहुंचे हुए थे, मिठाई लेकर पहुंचे हुए थे, कॉल की थी, अंदर गए, बैठे, चाय पी और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाहर निकले तो इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वर्णित, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दो आरोपी दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे, लाल रंग का कुर्ता इन्होंने पहन रखा है, आगे जो आरोपी है उसने एक टोपी भी लगा रखी है, क्या इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास है? देखिए, पुलिस अभी सारे ही तथ्यों को खंगाल रही है। जिन कहा जाए सस्पेक्ट्स की बात आप बता रहे हैं, जो ये विजुअल में दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, इनसे भी इनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, इनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक एंगल ये भी पुलिस का है जिसमें पुलिस कह रही है कि ये दो सस्पेक्ट जो कि यहां पे आके हत्या को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो कहा जाए जो नेता है सर्वेश तिवारी, इनको जानते थे और शायद तभी यही वजह है कि वो बैठ के उनके साथ चाय भी पी रहे थे। तो कोई ना कोई लिंक जरूर है या कोई फोन कॉल, कुछ जानकारी मेरे पास ऐसी भी है जिसमें ये अभी सोर्सेस के थ्रू जानकारी है कि एक फोन कॉल भी आया था, उसमें बकायदा पूछा गया था कि क्या वो अपने घर पे मौजूद है, अगर उसके बाद ये लोग वहां पे पहुंचे थे, बकायदा घंटी बजा के लोग अंदर गए और उसके बाद बातचीत हुई। ठीक है, मैं आता हूं वर्णित आपके पास। वर्णित, मैं आता हूं कमलेश तिवारी, हिंदू महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों तक पक्षकार भी रहे थे और साथ ही धर्म विशेष, उसके बाद ये लोग वहां पे पहुंचे थे, बकायदा घंटी बजा के लोग अंदर गए और उसके बाद बातचीत हुई। ठीक है, मैं आता हूं वर्णित आपके पास। वर्णित, मैं आता हूं कमलेश तिवारी, हिंदू महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों तक पक्षकार भी रहे थे और साथ ही धर्म विशेष पर विवादित टिप्पणी को लेकर इन पर रासुका भी लगी थी और जो इनकी पैतृक जमीन है उस पर कमलेश तिवारी ने ऐलान किया था कि वो वहां पर गोडसे का मंदिर भी बनाएंगे। यानी विवादित ये शख्सियत, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उनके घर में जो दफ्तर बना है उस दफ्तर में घुसकर दो लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस को मौकाए वारदात से एक असलाह भी बरामद हुआ है। मौकाए वारदात पर हमारे सहयोगी रवि कुमार पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। राज्य समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की घोषित बाद स्थित उनके पार्टी कार्यालय पर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दो लोग उनसे मिलने आए थे और काफी दिन उनसे बातचीत करने के बाद उनका जो सेवादार था उसको सिगर लेने के लिए वहां से भेज दिया गया और उसके बाद जब वो पहुंचा है तो देखा है कि कमलेश तिवारी खून से लथपथ जमीन पड़े हुए थे। हालांकि उनका जो गनर था वो भी सोया हुआ था। उसके बाद इसकी जानकारी गनर को दी गई, आसपास के लोगों को दी गई, पुलिस को बताया गया। पुलिस उनको लेकर ड्रामा सेंटर पहुंची जहां पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि एसएसपी के अलावा तमाम सारी जो पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर मौजूद है। पोस्टमार्टम हाउस पर देख सकते हैं कि शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है और यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल एसएसपी के अलावा तमाम सारी जो पुलिस की टीमें मौजूद हैं और मामले जांच की जा रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। रवि कुमार की आप रिपोर्ट देख रहे थे और इस पूरे मामले पर लखनऊ के एसएसपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। रहते हैं जहाँ पर इनका दो मंजिल का मकान है। आज इनसे मिलने कोई दो लोग आए थे और जो इनके साथ ऊपर पहली मंजिल में थे, जो इनके साथ बातवात भी कर रहे थे वहाँ पर, जैसे कि जो बताया गया है चाय वाय पी है इन्होंने, उनके साथ काफ़ी देर बात हुई है। उसके बाद जब वहाँ पर किसी, जैसे कि बताया गया है कि किसी रंजिश को लेकर के वहाँ पर जो है उन्होंने, वो लोग इन पे हमलावर हो गए और इनको घायल अवस्था में यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं धरपकड़ के लिए और जो इसमें डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं। और जैसा कि मौके से जो सूचना आई थी कि दो लोग यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, वो दो लोग कौन थे, यदि परिचित थे तो कौन थे और परिचित नहीं थे तो कौन थे, इन सभी पहलुओं पर एक जो है जांच की जा रही है और शीघ्र इनका धरपकड़ करके इनको अरेस्ट कर लिया जाए। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था उनके साथ, जैसा कि मैंने बताया जो दो लोग आए वो ऐसा जो कुछ सबको वहाँ पे ये एक आभास हुआ कि ये परिचित हैं, पहले से जानते होंगे, लेकिन ये विवेचना का विषय है। उसमें गार्ड जो था वो नीचे ही था ग्राउंड फ्लोर पे और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है, ये घटना स्थल है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी बातें सामने आएंगी आप लोगों को आगे और डिटेल में फिर बताया गया। हिंदू महासभा के नेता थे, हिंदू समाज पार्टी के। और सर क्या अकेले ही गई और कोई इनके रूम में था उस समय? एक और जो बताया जा रहा है उस समय एक और व्यक्ति था, उसको उस समय कहीं पर वो चला गया था बीच में, पहले और लोग भी मौजूद थे, बाद में जो मौजूद था इनके साथ जो लड़का मौजूद था वो बोल रहा है कि शोर मचाने पर भी कोई नहीं आया था। पुलिस ये बातें मैं अभी जा करके और भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों को।
लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को आप सुन रहे थे। हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या पर उनके करीबी और दोस्त शिशिर चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मर्डर के पहले 10 मिनट पहले उन्हें मुझसे बात की कि राम जन्मभूमि मामले में चैनलों पर खबर चल रही कि मध्यस्थता के लिए हिंदू महासभा ने हामी भरी है, तो हमने उसे इनकार किया। उसके बाद हमने कहा हम हरिशंकर जैन हमारे जो अधिवक्ता उनसे दिल्ली बात कर ले फिर आपको बता रहे हैं। तो जब मैंने पलट के फोन किया उसके बाद उनका फोन उठा रही। जानकारी ये मिली है कि दो लोग आए थे, एक सफेद शर्ट एक भगवा शर्ट पहन के चश्मा लगाए हुए, वो लोग आए जो कार्यकर्ता वहां पर था उससे सिगरेट मंगाई और सिगरेट मंगाने के बाद वो अकेले हो गए, वाइफ उनकी सो रही थी और उस बीच में उन्होंने घटना का अंजाम दिया गला रेत के। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश है। कमलेश के समर्थकों ने शुरू खुर्शेद बाग कॉलोनी में उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो कमलेश तिवारी के समर्थक थे उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया। जैसे उन्होंने इस हत्याकांड की खबर उन्हें मिली सड़कों पर उतर गए, नारेबाजी किया, प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर लखनऊ से, जहां पर हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अयोध्या विवाद को लेकर। हिंदू महासभा की ओर से पत्रकार भी रहे, उनके दफ्तर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या के बाद हड़कंप मच गया। उनके समर्थकों में आक्रोश है, समर्थक सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, गला रेत कर उनकी हत्या की गई है। जानकारी यह भी है कि उन्हें गोली भी मारी गई थी। एक असलहा उनके मौकाए वारदात से बरामद हुआ है। घर में जो दफ्तर बना था उसमें दो लोगों ने मुलाकात की, उनके साथ चाय की और हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। लखनऊ के नाका इलाके की यह पूरी घटना है। हिंदू महासभा के नेता थे, सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार भी रहे हैं अयोध्या विवाद मामले में। खुर्शीद बाग स्थित दफ्तर पर दो लोग उनसे मिलने गए थे और जैसे ही उनके समर्थकों को इस हत्याकांड की जानकारी मिली वो खुर्शीद बाग इलाके में सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच यह सीसीटीवी तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। कमलेश तिवारी के हत्यारों की तस्वीर सामने आई है, आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसको आधार बनाकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दोनों हत्यारे नजर आ रहे हैं। यह पहला संदिग्ध आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और साथ ही दूसरा संदिग्ध दोनों वहां से जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जो जानकारी मिली है कि उनके घर में जो दफ्तर बना हुआ था खुर्शीदबाग इलाके में वहां पर ये दोनों पहुंचे थे मिठाई लेकर, मुलाकात करने के लिए कॉल भी की थी, बातचीत की थी, अंदर गए दफ्तर में बैठे, चाय पी, मुलाकात की और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इस पूरे मामले की और साथ ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि ये जो सीसीटीवी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, कौन है ये दोनों शख्स, क्या इस बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी? देखिए, पुलिस को ये जो अभी सीसीटीवी फुटेज मिली है बहुत ही बड़ा एविडेंस है, कहा जाए बहुत बड़ी लीड मिली है पुलिस को, और इस लीड को जो पुलिस है वो इसको खंगालने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे। आपको बता दें कि यहाँ पे इस वक्त जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए सारे पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। 10 टीम जो है लखनऊ पुलिस की वो इस पूरे केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इससे पहले फॉरेंसिक टीम और साथ ही साथ लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। कुछ ही देर पहले यहाँ पे एसएन सावत जो कि लखनऊ जोन के जो एडीजी हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी पूरे मौके का मुआयना किया है और जो उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जाने थे वो उन्होंने दिए हैं। फिलहाल ये मौका जो है जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा जो कि लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भी जो जिस बात को इशारा किया है, चूंकि ये दोनों आरोपी बड़े आराम से उनके दफ्तर में दाखिल होते हैं, उन्होंने कॉल भी की थी, चाय भी पी है, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जान पहचान के रहे होंगे, परिचित रहे होंगे, तो क्या ये किसी रंजिश का भी नतीजा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये भी पता चल रहा है कि एक फोन कॉल आया था जिसके बाद दो लोग मिलने आए हैं, वो दोनों लोग बैठ के घर में चाय पी रहे थे। ये एक बड़ा जो है संशय पैदा करता है कि क्या ये परिचित थे कमलेश तिवारी के, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेके जो है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है,
जो परिचित हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज जो कि हम लोग अभी इस वक्त चला रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी, जिसके चलते जो अपराधी हैं उनको शायद पकड़ा जा सकेगा जल्द से जल्द। जी ठीक है, वंडित मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। इस बीच इस पूरे कांड के चश्मदीद सौराष्ट्र सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। कौन सोया था? सिपाही जो की आवाज भी आई उसके वजह से सोए थे। कौन सोया था? वो सिपाही जो एक सिपाही वहाँ पे हम सोए हुए थे और वो लोग बिना जांच के ऊपर चले गए। रिवाल्वर भी था और वो पॉकेट में पता नहीं क्या चल रहा है। कितने लोग थे? दो आदमी, एक भगवा पहना था एक सादा वस्त्र पहना था। वर्णित ये कोई सौराष्ट्र सिंह है जिन्होंने शायद इन दोनों आरोपियों को ऊपर जाते देखा था और इनका ये कहना है कि बिना किसी जांच के, चूंकि इनको सुरक्षा मिली हुई थी, जो सिपाही था वो उस वक्त सोया हुआ था, गनर उस वक्त था नहीं, तो सीधे ये दोनों अंदर दाखिल हो गए। देखिए जो ये सौराष्ट्र सिंह जो बता रहे हैं इनसे ये भी जाहिर होता है कि ये शायद इनके यहाँ पे काम करते हैं या फिर इनके कोई परिचित है, जो कि चाय भी बना रहे थे, उन्होंने चाय पिलाई है इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं शायद ये लोग जो कि वहां पे आए थे मिठाई लेके, जो मिठाई के डिब्बों में हथियार छुपा के ले आए थे, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो शायद परिचित होंगे या फिर उन्होंने किसी का परिचय दिया होगा जिसके तहत उनको जो है अंदर बाद में कमलेश तिवारी ने अंदर बैठने को कहा, उनके साथ उनको चाय भी पिलाई गई। तो ये सारे तथ्यों को जो है खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आशंका कलानिधि नेतानी जो कि कप्तान है लखनऊ के, वो जिस तरीके से बता रहे इन्वेस्टिगेशन में कि कोई ना कोई एंगल जरूर है, वरना ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को अंदर बैठा के चाय नहीं पिलाई जाती। अगर चाय पिलाई जा रही है तो शायद कोई परिचय भी निकल सकता है, इसीलिए कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो दो व्यक्ति कौन थे। आपको मैं फिर एक बार ये लोकेशन दिखाना चाहूंगा, जो क्राइम सीन इस गली के अंदर जाके क्राइम सीन है और यहाँ आप देखिए कितनी व्यस्त गली है ये। और यहाँ पे जब से ये बात सामने आई आप देख सकते हैं जो आरएएफ है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है किसी भी तरीके की हालात से निपटने के लिए। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, इससे पहले आला अधिकारी यहाँ पे आके मौके का मुआयना कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। साथ ही साथ जो घर वाले हैं वो बहुत एक चीज और है, चूंकि विवादित शख्सियत रहे, विवादित बयान देते रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद रासुका इन पर लग गई थी, जमानत पर चल रहे थे, जो उनकी पैतृक जमीन है उस पर उन्होंने गोडसे मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया था, तो विवादित शख्सियत भी रहे हैं कमलेश तिवारी। जाहिर तौर पे कमलेश तिवारी बहुत ही विवादित रहे हैं अपने बयानों के लिए, ये खासा चर्चित भी रहे हैं और जिस तरीके के ये बयानबाजी करते आए हैं उससे कहीं ना कहीं कई लोगों के जहन में इनके प्रति मनमुटाव भी रहा होगा। अब ये जो कहा जाए जो हमला उनके ऊपर हुआ है जिसमें उनकी मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या अहम वजह है इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। अब इसके अंदर कोई और एंगल निकल के सामने आता है ये फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल होगा। फिलहाल इसकी जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। चलिए वनी, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए आपसे अपडेट इस पूरे हत्याकांड पर, क्या कुछ पुलिस की जांच में आगे निकलकर सामने आता है आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से, तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लखनऊ के खुर्शीदबाग इलाके में कमलेश तिवारी जो कि हिंदू महासभा के नेता रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई। घर में घुसकर दो आरोपियों ने, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फाइनल फैसले से पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी में जंगल राज क्या कायम हो चुका है, क्योंकि लगातार कोर्ट की ओर से भी इस मसले पर तीखी टिप्पणी की गई है। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आने वाला है, लेकिन फैसले से पहले ही यूपी की फिजा बिगड़ती दिख रही है। वक्त यहां पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।